मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लास्ट अवेलेबल डेटा के हिसाब से 27% ऑफ द स्टूडेंट चोज टू डू अ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आफ्टर देयर ग्रेजुएशन। अब इसे कई रीजन हो सकते हैं जो कि हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर एक मास्टर्स डिग्री प्लान करने से पहले कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो सबको कंसिडर करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे की फैक्टर्स जो आप कंसिडर कर सकते हैं इफ़ यू आर प्लानिंग अ मास्टर्स डिग्री। सो हाई एवरीवन, आई एम सुरभि, योर डिजाइन बडी एंड अ प्राउड निफ्टी एलुमनाई। और आज के इस वीडियो के लिए ना सिर्फ मैंने रिसर्च करी है बल्कि पर्सनली अपने मास्टर्स करने वाले फैक्टर्स को कंसिडर किया है। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, यू नो द ड्रिल, मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डाइव राइट इन। फैक्टर नंबर वन, करियर गोल्स। सबसे पहले आपको क्लियर होना पड़ेगा आपके करियर एस्पिरेशंस के लिए। आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछने रहेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू इन लाइफ, डू यू रियली नीड अ मास्टर्स डिग्री। जब आप ये क्वेश्चन आंसर करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप किस फील्ड में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं। एक मास्टर्स डिग्री परस्यू करने के कई रीज़न हो सकते हैं। मे बी आप एक करियर स्विच चाहते हैं, मे बी आपने बैचलर्स कुछ और कोर्स में किया था बट लेटर यू रियलाइज्ड कि अब आपको किसी और कोर्स में मास्टर्स करना है, क्योंकि जो बैचलर्स आपने किया था वो रियली आपको अब उतना इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा है। रीज़न ये भी हो सकता है कि आप एक बेटर सैलरी पैकेज की तलाश में हैं, मे बी आपको किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करना है। तो सबसे पहले रीज़न समझिए कि आपको मास्टर्स क्यों करना है। मेरे साथ मास्टर्स में कई ऐसे स्टूडेंट्स थे जो बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड से आते थे। किसी ने बीकॉम किया था, किसी ने इंजीनियरिंग किया था, किसी ने बीबीए किया था, बट लेटर देन दे रियलाइज कि उनकी रियल कॉलिंग क्या है, दे लैंडेड अप टू निफ्ट। वैसे ही आपको अपने इंटरेस्ट को समझना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि आपको किस फील्ड में स्पेशलाइजेशन करना है। पॉइंट नंबर टू, प्रोग्राम सूटेबिलिटी। एक बार आपने फिगर आउट कर लिया है कि आपको कौन सा स्पेशलाइजेशन करना है तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कौन सा प्रोग्राम अवेलेबल है जो आपके इंटरेस्ट को और आपके स्पेशलाइजेशन एस्पिरेशन को मैच करता है। डिज़ाइन अभी भी इंडिया में एक नीश है जिसके बारे में अभी भी बहुत ज़्यादा अनअवेयरनेस है, इसलिए बहुत सारे ऐसे कोर्सेस ऑफर करते हैं एक डिज़ाइन इंस्टीट्यूट जिसके बारे में लोगों को अभी नहीं पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बचपन से आपको क्ले मोल्डिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था बट बिकॉज ऑफ द अनअवेयरनेस इन डिज़ाइन फील्ड आपको समझ ही नहीं आया कि आप कौन सा ऐसा कोर्स कर सकते हैं जो इस आपकी हॉबी से मैच कर सके। एंड बिकॉज ऑफ विच आपने ऐसा कोर्स कर लिया जो आपके पेरेंट्स आपको करवाना चाहते थे या फिर आपके अलग अलग जो फ्रेंड्स हैं वो कर रहे थे। बट अगर आपने प्रॉपर रिसर्च की होती तो आपको पता चलता कि NID जो कि एक बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है इंडिया का इन द फील्ड ऑफ डिज़ाइन, एक कोर्स ऑफर करता है इन सिरेमिक एंड पोर्ट्रेट डिज़ाइन जो कि आपके लिए एक बहुत ज़्यादा सूटेबल कोर्स होता। सो रिसर्च प्रॉपरली वाइल चूजिंग अ प्रोग्राम। पॉइंट नंबर थ्री, विच कॉलेज इज सूटेबल फॉर यू। सो आपने अभी डिसाइड कर लिया है कि आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है और आपको कौन से प्रोग्राम में आपका मास्टर्स करना है, बट आपको अब ये भी देखना पड़ेगा कि आपके इंटरेस्ट के साथ कौन सा कॉलेज अलाइन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको मास्टर्स इन डिज़ाइन करना है। अब डिज़ाइन के लिए इंडिया में दो नाम सबसे ज़्यादा हाईलाइट होते हैं, एक NIFT दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंड सेकेंड है NID दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। ये दोनों कॉलेजेस मास्टर्स इन डिज़ाइन ऑफर करते हैं बट इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। NID में एक बहुत ज़्यादा वाइड स्पेक्ट्रम में मास्टर्स ऑफ डिज़ाइन ऑफर किया जाता है जिसमें सिरेमिक एंड पोट्री डिज़ाइन, अपैरल डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, टॉय डिज़ाइन, बहुत सारे अलग अलग तरह के डिज़ाइन ऑफर किए जाते हैं। वहीं जो निफ्ट का मास्टर्स इन डिज़ाइन है वो काफ़ी रिसर्च ओरिएंटेड है जो कि एक फैशन इंडस्ट्री के अराउंड उसका करिकुलम डेवलप किया गया है। तो आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि कौन सा मास्टर्स ऑफ डिज़ाइन आपके इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करेगा और आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा। पॉइंट नंबर फोर, फाइनेंशियल कंसिडरेशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब भी आप किसी भी कोर्स के लिए ऑप्ट करते हैं इज मनी। सो फाइनेंस को मैनेज करना इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस को प्रॉपरली प्लान करना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपकी ट्यूशन फीस के अलावा और भी कौन से एक्सपेंस होंगे जो आपको फेस करने पड़ेंगे और ये एक्सपेंस कैसे मैनेज होने वाले हैं। क्या आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करने वाले हैं, क्या आप कोई एडुकेशन लोन लेने वाले हैं या फिर आपका कॉलेज कोई स्कॉलरशिप ऑफर कर
सकता है। तो सबसे पहले प्रॉपरली रिसर्च करिए कि आप ये फाइनेंसेस कहाँ से मैनेज करेंगे। उसके बाद आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कंसिडर करनी पड़ेगी कि आप जितनी फीस एक्चुअली दे रहे हैं अपने मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, क्या पास आउट होने के बाद उसका इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी आपको मिलेगा या नहीं। तो ये सारे फैक्टर्स को आपको अच्छे से कंसिडर करना है, बिकॉज मनी इज इम्पॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 5, टाइम कमिटमेंट। सो किसी भी कोर्स को प्लान करने से पहले उसका टाइम कमिटमेंट जानना जरूरी है। इंडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन 2.5 ईयर्स, 2 ईयर्स, 1.5 ईयर्स के भी ऑफर होते हैं। अब कई लोग ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं और मास्टर्स करते करते वो जॉब कंटिन्यू करना चाहते हैं। ऐसे में कई प्रोग्राम आपको अलाउ नहीं करते हैं जॉब करने के लिए, क्योंकि फुल टाइम आपका मांगते हैं। सो सबसे पहले आपकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप एक ऐसा कॉलेज और ऐसा कोर्स चुनें जो आपको जॉब करना भी अलाउ करे, और आप अगर ऐसा कोर्स करना चाहते हैं तो आप डिस्टेंस एजुकेशन को भी ऑप्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, एडमिशन रिक्वायरमेंट। अब हर कॉलेज के एडमिशन का प्रोसेस अलग अलग होता है। बहुत सारे कॉलेज बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के भी आपको एडमिशन दे देते हैं, पर बहुत सारे कॉलेजेस में आपको एंट्रेंस एग्जाम फेस करना पड़ता है, और बहुत सारे कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम भी कई अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड होता है। तो सबसे पहले जब आपने ये फिगर आउट कर दिया है कि कौन सा कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये देखिए कि उनके एडमिशन का प्रोसेस क्या है, कि आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम देना है, उस एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है, और एक्चुअली आप उस एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। तो ये सब प्रॉपर रिसर्च आपको करना है। पॉइंट नंबर 7, लोकेशन। सो लोकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है आपका प्रोग्राम चूज करने के लिए, क्योंकि कई ऐसा लोकेशन होते हैं जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बहुत प्राइम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कोई टेक फील्ड में मास्टर्स करना चाहते हैं, तो फिर बैंगलोर एक बहुत अच्छी लोकेशन है, बिकॉज ये एक हब है टेक स्टार्टअप्स के लिए। तो लोकेशन कंसिडर करें, और बहुत सारे लोग अपने घर के कंफर्ट में रह के भी अपना एडुकेशन कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आपको प्रॉक्सिमिटी सेंस करनी पड़ेगी कि कौन सा लोकेशन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, आपके प्रेफरेंस के लिए, आपकी लाइफस्टाइल के लिए और आपके करियर के लिए। पॉइंट नंबर 8, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। अब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन तो कर लिया सपोज, पर आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको करियर में कितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपके सिलेक्टेड कॉलेज और कोर्स की वजह से। सो सबसे पहले ये चेक करिए जिस कॉलेज में आप पढ़ना चाहते हैं क्या वो प्लेसमेंट ऑफर करता है, क्या परसेंटेज प्लेसमेंट ऑफर करता है, क्या उनके इंडस्ट्री से कनेक्ट हैं, क्या उनका एक बड़ा एलुमनाई नेटवर्क है। ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करने से आपको समझ में आएगा कि ना सिर्फ आपके वो 2 साल या 2.5 साल आपके मास्टर्स के लिए वर्थ इट है, बल्कि आपका करियर भी सिक्योर्ड है। सो देयर यू हैव इट, अ फुल कॉम्प्रिहेंसिव गाइड ऑन थिंग्स टू कंसिडर इफ यू आर प्लानिंग अ मास्टर्स डिग्री। अगर आप भी 2025 में एक डिज़ाइन में मास्टर्स को प्लान कर रहे हैं, तो हम एक नया कोर्स लेकर आए हैं सिर्फ आपके लिए, एक डिज़ाइन पोस्ट ग्रेजुएशन एस्पिरेंट्स के लिए, जो कि स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 26 फरवरी। और आज ही हमारे काउंसलर से बात करने के लिए कॉल ऑन 7676564400 और बुक योर स्लॉट टुडे। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड लीव अ कमेंट डाउन बिलो। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे क्रिएटिव एंड कीप चेजिंग योर ड्रीम्स। बाय।